नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए फिलहाल विवादों से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है। ताज़ा मामला भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ भेदभाव का है। इस मामले में मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट से लेकर सोशल मीडिया पर भारतीय बोर्ड के खिलाफ सौतेले व्यवहार करने के आरोप लगते रहे। विवाद बढ़ने पर महिला टीम की दोनों कप्तान मिताली राज और हरमनप्रीत कौर ने ट्विटर के जरिए बोर्ड की ओर से सुविधाओं की जानकारी दी। भारत की महिला और पुरुष क्रिकेट टीमें अगले महीने एक साथ इंग्लैंड दौरे पर जाएंगी। इससे पहले सभी खिलाड़ियों को 19 मई तक मुंबई पहुंचना है, जहां 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन किया जाएगा। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बोर्ड ने पुरुष खिलाड़ियों को मुंबई लाने के लिए तो चार्टर्ड विमान भेजा, लेकिन महिला खिलाड़ियों को अपने आप ही मुंबई आने के लिए छोड़ दिया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल छाया रहा और बोर्ड पर दोनों टीमों के बीच भेदभाव और सौतेले व्यवहार के आरोप लगते रहे। ऐसे में टीम इंडिया की T20 कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक ट्वीट के जरिए स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। हरमनप्रीत ने अपने ट्विटर में लिखा, BCCI ने पुरुष और महिला टीम के सभी खिलाड़ियों को UK रवाना होने से पहले मुंबई पहुँचने के लिए चार्टर्ड उड़ानों का इंतजाम किया है। दूरी और निजी सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों ने अपना अपना फैसला किया है। बता दें, खिलाड़ियों की उड़ान का ही इकलौता आरोप नहीं था। बोर्ड ने सभी खिलाड़ियों को मुंबई आने से पहले कोविड टेस्ट करवाने के लिए कहा था। इसको लेकर आरोप लगने लगे कि बोर्ड ने विराट कोहली की टीम के लिए अपनी तरफ से व्यवस्था की है और खिलाड़ियों के घरों में ही टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई, जबकि महिला खिलाड़ियों को खुद ही ये इंतजाम करना पड़ा। इस आरोप पर सफाई के लिए टेस्ट वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने मोर्चा संभाला। मिताली ने ट्वीट कर बताया, महामारी के दौरान यात्रा करना बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जिस तरह से व्यापक इंतजाम BCCI ने किए हैं, वो सुकून देने वाले हैं। मुंबई और UK के लिए चार्टर्ड विमान और घर में ही RT-PCR टेस्ट। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।